बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। कीमती सागौन और लकड़ी काटने के औजार के अलावा तकरीबन 500 गांजे के पौधे वन विभाग और पुलिस ने जब्त किए हैं। मामला सागर जिले के राहतगढ़ से सामने आया है। सागौन की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत रुसल्ला गाँव में एक व्यक्ति अपने घर में सागौन का अवैध रूप से निर्माण कर रहा है, जिसने अपने खेत में गांजे की फसल भी लगा रखी थी। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जब मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो देखा कि घर के पीछे बने खेत में गांजे की फसल लगाए हुए था, साथ ही अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का भंडार भी किए हुए था। पुलिस के पहुंचते ही घर के लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी संख्या में जब्त गांजे को गाड़ी के ऊपर लाद कर लाना पड़ा। इसको लेकर वन विभाग SDO सीमा द्विवेदी का कहना है कि संबंधित लोगों पर वन उपज व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली थी वरिष्ठ अधिकारी को हमारे, तो उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ फील्ड पर आए तो 2-3 बीटों का निरीक्षण किया। वहाँ कुछ कटाई ऐसे मिली नहीं है, 2-3 फुट मिले थे एरन बीट में। उसके बाद कंपार्टमेंट 548 में हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, तो निरीक्षण के दौरान मुखबिरों से पूछताछ की गई, जिसमें उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो गांव में है अवैध काम हो रहा है, लकड़ी का चिरान वगैरह कर रहे हैं, सोफे वगैरह बना रहे हैं। तो तुरंत ही हम लोगों ने सर्च वारंट मंगाया, सर्च वारंट इशू किया वहीं पर मौके पर ही, और सारे स्टाफ को बुलाया, साथ में पुलिस फोर्स को भी बुलाया, महिलाएं थी इसलिए महिला आरक्षक को भी साथ में लिया गया, और चार घरों में सर्च वारंट इशू करके तलाशी ली गई, जहाँ पे काफ़ी चिरान लकड़ियाँ मिली, कुछ उनके चिरान मशीन वगैरह मिले और क्या कुछ औजार मिले कटाने, और साथ ही एक वीर सिंह लोधी का घर था उसी में लगा हुआ, वहाँ पे गांजा की खेती की जा रही थी। मेरे ख्याल से गांजा भी काफ़ी, तो पुलिस फोर्स हमारे साथ ही थी, उन्होंने गांजा की जब्ती की कार्यवाही भी करी और सारा कुछ जब्ती करके हम लोग यहाँ पर क्षेत्र कार्यालय ले आए, पंचनामा वगैरह बनाया। जी मैडम, ये लकड़ी भारी मात्रा में मिली है, तो क्या और सर्चिंग जारी रहेगी? हाँ, सर्चिंग लगातार जारी रहेगी, नाइट पेट्रोलिंग भी हमारी लगातार चल रही है, और अभी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। वैसे भी सर्चिंग होती ही रहती है बीच बीच में, और अभी तो लगातार 10-15 दिन तो कंटिन्यूस करेंगे निर्देश। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे CCTV से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739, 9926968299।